दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि आने वाला है 16th को ही। बात कर रहा हूं मैं आईकू Z6 की, जो कि एक्चुअली आईकू Z5 का सक्सेसर नहीं है। नाम से भले लग रहा होगा बट नहीं है। ये स्मार्टफोन अब ऑफिशियल हो गया है कि 16th को ही आने वाला है, 16th of March, यानी परसों। ऑब्वियसली परसों ही आएगा। क्या स्पेसिफिकेशन है, सारी चीजों को भी डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें आपको खुश कर सकती हैं क्योंकि 15,000 के नीचे होने वाला है। कुछ चीजें शायद आपको बुरी लग सकती हैं क्योंकि उतनी अच्छी नहीं है। एंड एक और फैक्ट कि ये रीब्रांडिंग ही है किसका, Vivo T1 का। चलिए अच्छी बात है, अगर अच्छी प्राइस पे लेके आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या चीजें मिलने वाली है इसमें आपको, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना। तो Vivo जो है Vivo T1 को आईकू Z6 के नाम से रीब्रांड करके 16 तारीख को लॉन्च करने वाला है। ऑलमोस्ट 100% चीजें सेम होने वाली हैं, यानी इसमें आपको अगेन 6.5 इंच का IPS LCD का पैनल मिलने वाला है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, लेकिन वाटर ड्रॉप नॉच ही होगा। रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा रहेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा। कलर्स कितने आते हैं देखने वाली बात होगी, अच्छा है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद चिपसेट की बात करोगे तो स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट ऑक्टा कोर का है, 6 MB बेस्ड है। स्कोर की बात करोगे तो ये 3,80,000 के आसपास चला जाता है, तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, मतलब अच्छा है। चलिए एड्रीनो 609 गेमिंग ग्राफिक्स भी अच्छी खासी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उस बजट के हिसाब से तो अच्छी खासी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन यानी परफॉर्मेंस का सेगमेंट अच्छा होने वाला है। एंड्रॉइड 11 के ऊपर आएगा जो कि फन टच OS 12 के साथ आने वाला है। ब्लूटूथ रहेंगे, थोड़े से डिलीट कर पाओगे, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। परफॉर्मेंस का सेगमेंट अच्छा है उस प्राइस के हिसाब से। चलिए देन इसके बाद बात करते हैं कैमरा की बात। रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा रहेगा 50+2+2 का, तो कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं रहेगा। बाकी सारी चीजें एवरेज डिसेंट रहेंगे, मतलब डिसेंट कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है। 1080 वाले कर पाओगे, 4K नहीं कर पाओगे। फ्रंट में 16 MP का सेंसर है, वहां से भी आप 1080 वाले कर पाओगे। रियर पे फ्लैश है, फ्रंट में नहीं दिया गया है। एवरेज कैमराज रहेंगे, 15,000 की प्राइस पे जैसे आते हैं डिसेंट वैसे। इसके बाद बैटरी की बात करोगे तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, 18W का फास्ट चार्जर है, टाइप सी का पोर्ट है, तो बड़ी बैटरी, डिसेंट फास्ट चार्जर एवरेज कहूंगा। एंड टाइप सी का पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। सेंसर्स की बात करोगे तो 3.5 mm जैक, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, जितने भी होते हैं सारे मिल जाएंगे। स्टीरियो स्पीकर्स नहीं रहेंगे, मतलब बॉटम फायरिंग वाला सिंगल ही रहेगा, लेकिन आपको सेंसर सारे मिल जाने वाले। स्लॉट की बात करोगे तो हाइब्रिड स्लॉट आएगा, हाइब्रिड स्लॉट होगा, यानी या तो दो सिम कार्ड लगाओ या फिर एक सिम कार्ड एक एसडी कार्ड, तीनों एक साथ नहीं लगा पाओगे, ये एक आपको इशू कर सकता है। वेरिएंट कहा जा रहा है इसमें, जो Vivo T1 है वो आता है 4GB 128GB से। इसकी प्राइसिंग कही जा रही है 15,000 के नीचे होगी। हो सकता है आपको 4GB 64GB भी देखने को मिल जाए इसमें, ये देखने वाली बात होगी कि लेके आते कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से 464 वाला बेस वेरिएंट शायद आपको इसमें देखने को मिल जाए। लेट्स सी, देखते हैं क्या लेकर आते हैं। 5G बैंड्स की बात करें तो कहा जा रहा है 2 5G बैंड्स आएंगे, N77 और N78 वाला। लेट्स सी, देखने वाली बात होगी क्या चीजें लेकर आती हैं। जैसे और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, सारा यही है, क्या पता चलेगा, परसों तो वैसे भी लॉन्च होने वाला है। एंड जैसे मैंने कहा 16 को लॉन्च होने वाला है, प्राइसिंग मेरे हिसाब से इसकी 15,000 के नीचे होने वाली है। 14999 पॉसिबली, 4GB 64GB वाले का। अब लेट्स सी, देखते हैं क्या लेकर आती हैं। जैसे और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, जैसे मैंने कहा आपको बता दूंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना। वेट करोगे इसका, मतलब ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है Vivo T1, अब इसको भी लॉन्च करने वाले सेम स्मार्टफोन को, खाली वेरिएंट थोड़े अलग हो सकते हैं मेरे हिसाब से, बाकी स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं। तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई वो जो वाटर ड्रॉप नॉच है वो इशू कर रहा है, ठीक है, IPS तो ऑलरेडी कर ही रहा है, लेकिन वाटर ड्रॉप नॉच ज्यादा इशू कर रहा है। उसके बदले पंच होल रहता तो थोड़ा यूनिक दिखता एंड लेने वाले ले भी लेते। आपको कितना फर्क करेगा वो जरूर बता देना। एंड कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा स्मार्टफोन जरूर बता देना। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोज में भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो वैक्टर में, उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया करने साथ। तो के दोस्तों, जय हिंद।